बैक टू माई चैनल बुशरा खान व्लॉग्स। आई होप सो यू ऑल आर डूइंग गुड एंड अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी बिल्कुल ठीक हैं। तो आज है जी थर्सडे और आज की जो वीडियो है ना बड़ी इंटरेस्टिंग सी होने वाली है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको दिखाया था कि मैंने स्पायरल कटर एक बाय करा है मीशो से, बहुत ही रीजनेबल प्राइस में लिया है। तो प्राइस राइज तो मैं आपको लास्ट में शेयर कर दूंगी, लिंक भी लगा दूंगी डिस्क्रिप्शन में, अगर आपको ठीक लगे तो आप उसको बाय भी कर सकते हैं बहुत ही रीजनेबल प्राइस में, ठीक है। और दूसरी बात, आज की जो वीडियो है ना वो होने वाली है जी वर्सेस, तो हम करने वाले हैं, मतलब मैं करने वाली हूँ जी आप लोगों के साथ मिलकर दो तरह के चैलेंजेस। एक हम बनाएंगे स्पायरल कटर से स्पायरल पोटैटोस, ठीक है, जो कि रेडीमेड मिलते हैं मार्केट में, वो मार्केट जैसे बनेंगे या नहीं बनेंगे ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है। और दूसरी चीज मैं बनाने वाली हूँ जी एक देसी जुगाड़। तो कॉम्पिटिशन किस में होने वाला है, स्पायरल कटर वर्सेज देसी जुगाड़, सो लेट सी हु विंस, कौन जीतता है, तो वो आपको पता चलेगा वीडियो के एंड में। आपने क्या करना है, इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और ज्यादा से ज्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम लोग चलते हैं किचन में और रेसिपीज मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, तो चलिए किचन में। A few moments later. तो ये देखें जी, ये सारी चीज़ें मुझे इसमें मिली थी एक पैकेट में और ये है जी पूरा कटर सेट, स्पायरल कटर सेट, ठीक है, जिसमें इन्होंने चार ये स्टिक्स दे रखी हैं, स्टेनलेस स्टिक्स हैं ये, और इसके साथ इन्होंने दे रखा है ये येलो कलर का कटर। तो ये है जी मेन कटर जिससे आपके स्पायरल्स बनेंगे और ये वाइट कटर जो देख रहे हैं ना आपको इसमें पोटैटो स्टक करना है, ठीक है, ये इंस्ट्रक्शंस हैं। तो जब मिलेंगे, अगर आपने बाय करना हो तो आप इसे पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। तो मैं अब आपको ना एक एक करके बनाना स्टार्ट करती हूँ। मैंने दो पोटैटोज ऑलरेडी कट कर लिए, पील करके वॉश करके रख लिए, आप चाहे तो बिना पील करे भी बना सकते हैं उसको, अच्छी तरह से वॉश कर लें और फिर आप डायरेक्टली स्पायरल्स बना सकते हैं, ठीक है। तो अब मैं बनाना स्टार्ट करती हूँ। तो चलिए जी अब इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। ये जो येलो कटर है ना, आपने सबसे पहले स्टिक में येलो कटर लगाना है, फिर उसके ऊपर से आपने आलूओं के अंदर इस स्टिक को डाल देना है और बहुत ध्यान से डालिएगा, काफी ज्यादा शार्प है, लग भी सकता है, ठीक है। और उसके बाद ये जो व्हाइट कटर दे रखा है ना, इसमें हम आलूओं को स्टक कर देंगे, आलू को अच्छी तरह से जमा देना है इसमें, और फिर उसके बाद आपने ये जो स्पायरल येलो कटर है ना इसको घुमाते रहना है, घुमाते रहना है, घुमाते रहना है, घुमाते रहना है, जब तक कि स्पायरल्स ठीक तरह से अंदर ना चले जाए। फिर उसके बाद आपने जस्ट इसको ऐसे गोल 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 जैसे वीडियो में देख रहे हैं ना आप, इस तरह से घुमाते जाए, आपको कुछ नहीं करना, जस्ट आलू को अच्छे से पकड़ के रखना है और ये स्पायरल्स आपके बन जाएंगे। सच कहूँ तो मुझे थोड़ा सा ये टाइम टेकिंग लग रहा है, क्योंकि इसमें ना मुझे एक तो पकड़ने में बहुत ज्यादा आलूओं को दिक्कत हो रही है और दूसरा ये जो स्पायरल लास्ट में आके गड़बड़ी कर रहे हैं ना, इससे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। तो फाइनली ये देखिए ये बनकर रेडी हो गए हैं और ये जो आलूओं का सबसे कोने वाला पार्ट है वो हम ऊपर अटका देंगे और एक आलूओं का पार्ट हम नीचे की तरफ अटका देंगे, कि ये है कि स्पायरल्स हमारे मिले जुले नहीं, आपस में एक दूसरे से अलग अलग रहे। तो ये बन के हो गया रेडी, दूसरा भी रेडी कर लेते हैं, सेंटर एंड दूसरा भी हो गया हमारा रेडी। और अब मैंने इसका लिक्विड बैटर तैयार कर रखा है, तो जिसमें मैंने मैदा लिया है, लाल मिर्च का पाउडर लिया है, आमचूर पाउडर लिया है और सॉल्ट लिया है और जो हमारा चाट मसाला पाउडर होता है ना वो लिया है, ठीक है। तो इसको मतलब इतना मेसी लग रहा था ना मुझे ये बनाने में ही, तो खैर एनीवेज बनाना तो था। फिर मैंने क्या करा, पूरे स्पायरल्स में अच्छी तरह से इसको डाल दिया और ये देखें ये खुल के ना नीचे भी चला गया। एनीवेज अरे कोई बात नहीं, फिलहाल के लिए मैंने ये अच्छी तरह से लिक्विड इस पर पोर कर दिया है और अब मैं इसको ना फ्राई करने के लिए डालूंगी। एडजस्टमेंट में इसकी बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इसको एडजस्ट करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है मुझे, बट ये दिखने में कितने प्रिटी लग रहे हैं ना, जैसे मार्केट में बनते हैं बिल्कुल वैसे ही लग रहे हैं। तो फ्राई भी करने के बाद ये वैसे लगेंगे या नहीं लगेंगे वो तो आपको आगे पता चलेगा। तो चलिए जी अब मैं इसको और अच्छी तरह से बैटर डाल के ना फिर हम इसे फ्राई करने के लिए डाल देंगे। तो जी ये देखें मैंने फ्राई करने के लिए दोनों स्पायरल्स डाल दिए इसमें और आप देख सकते हैं स्टिक बड़ी है और पैन छोटा है, ठीक है। अगर आपके पास कोई बड़ी चीज़ हो ना फ्राई करने के लिए, जैसे बाहर रेडीमेड में दिखाते हैं वो बड़े बड़े पैन होते हैं उनके पास, तो उसमें तो बिल्कुल ठीक से फ्राई हो जाएंगे, अदरवाइज़ ये ऊपर से मुझे आलू हटाने पड़े थे ताकि पूरे अच्छी तरह से आलू फ्राई हों, कुछ कच्चे ना रह जाएँ। बाकी अगर आपके पास बड़ी चीज़ है तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज़ मेरा तो काम ऐसे ही चलेगा क्योंकि मेरे पास कुछ बड़ी चीज़ थी नहीं फ्राई करने के लिए। तो ये देखिए जी पूरी मेहनत के साथ ना मैंने ये स्पायरल्स बना लिए, इस मेहनत के लिए एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा मेरी वीडियो को। और दूसरी बात ये है कि स्पायरल्स बनाए तो थे अच्छे वाले बट वो बन के ऐसे निकले क्योंकि स्टिक ज़्यादा बड़ी थी और पैन मेरा बहुत छोटा था। फिलहाल हमें तो टेस्ट से मतलब है, मैंने इस पर डाल दिया जी चाट मसाला, आप चाहे तो मेयोनीज़ भी डाल सकते हैं, तंदूरी मेयो जो होती है वो आप डाल के इसे सर्व कर सकते हैं, बहुत ही मज़े के लगते हैं। तो मैं ये दे देती हूँ सादिया को खाने के लिए और हम बनाते हैं जी अपनी दूसरी रेसिपी। तो अब बनाते हैं जी देसी जुगाड़ वाली रेसिपी। ये मेरे पास आप देख रहे हैं बैम्बू स्टिक है, ठीक है, ये मीडियम साइज के स्टिक है, आप चाहे तो आप बड़ी स्टिक का भी यूज़ कर सकते हैं। और बिल्कुल पतले पतले बिल्कुल बारीक बारीक जो आलू होते हैं ना वो मैंने कट कर लिए, ठीक है,
और आपने हैंड टू हैंड कट करने और हैंड टू हैंड इस स्टिक में लगा देने, तो वो ज़्यादा स्टिफ नहीं होंगे, बल्कि ये जो मैंने आलू पहले से पानी में डाल के भिगो के धो के रख दिए थे ना, तो ये थोड़े से हार्ड हो गए थे। आप एट ए टाइम काटें और फिर इसमें वन बाय वन इस तरह से डाल सकते हैं, ठीक है। आपने फ्लिप कर करके डालना है, एक आप देख सकते हैं मैं सीधा डाल रही हूँ, फिर एक उसके अपोजिट डाल रही हूँ, तो आपने भी इसी तरह से डालना है, तो स्पाइरल्स बहुत अच्छे बनेंगे और बहुत क्रंची क्रिस्पी बनेंगे। तो जी मैं इसी तरह से ना दोनों स्टिक्स रेडी कर लूँगी, और जो बैटर मैंने अपने पहले स्पाइरल के लिए यूज़ करा था ना, सेम वही बैटर हम इसमें भी यूज़ करेंगे। और आपने बैटर लगाने के बाद ना इसको अच्छी तरह से झाड़ देना है ताकि कुछ भी एक्स्ट्रा बैटर ना हो। तो ये रेडी हो गया फ्राई के लिए, अब इसे फ्राई करने डाल देते हैं और हम दूसरी स्टिक भी रेडी कर लेते हैं। तो जी ये देसी जुगाड़ वाला जो स्पाइरल्स थे ना, ये भी बन के हो गए रेडी। दिखने में तो कितने ज़्यादा टेम्पटिंग लग रहा है ना, इस पर भी मैंने चाट मसाला स्प्रिंकल कर दिया, तो इसे टेस्ट करते हैं और रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। अच्छा जी, तो अब बारी है रिव्यू की, ठीक है। मैंने दोनों रेसिपीज़ बनाई, आप लोगों को दिखाई, आप लोग भी मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको कौन सी रेसिपी ज़्यादा आसान लगी और ज़्यादा अच्छे से बनी, ठीक है। बाकी टेस्ट वगैरह जो है वो मैं आपको बता देती हूँ। तो सादिया ने भी खाए थे, हस्बैंड ने भी खाए थे और मैंने भी खाए थे, ठीक है। हम तीनों ने ट्राई करे थे और मैंने उन दोनों से भी रिव्यू लिया था। अभी सादिया भी सो चुकी है और हस्बैंड जा चुके हैं ईशा की नमाज़ पढ़ने के लिए। तो बेसिकली क्या है ना, हम तीनों को ही मिलाकर देसी जुगाड़ बहुत पसंद आया। देसी जुगाड़ है मतलब ऑसम, इतने क्रिस्पी इतने मज़े के पोटैटोज बने थे ना, आप उसे ज़रूर ट्राई करिएगा। जस्ट आपको बैम्बू स्टिक्स चाहिए, दैट्स इट, और उसमें आप पोटैटो लगाते जाओ जिस तरह से मैंने लगाया था, फ्लिप कर करके, और फिर उसको फ्राई कर लो बहुत ही आसान तरीके से। और स्पाइरल कटर का जो एक लूप रह गया था ना, वो ये था कि मेरा पैन छोटा था और स्पाइरल कटर की स्टिक बड़ी थी, जिसकी वजह से वो स्पाइरल्स थोड़े से जल भी गए थे और थोड़े से वो ख़राब हो गए थे, मतलब ठीक तरीके से वो फ्राई नहीं हो पाए थे। तो बेसिकली ये अगर आपके पास बड़ा बर्तन है ना फ्राइंग के लिए, तो आप उसको डेफिनेटली बाय करें, खुद एक्सपेरिमेंट करें, खुद एक्सपीरियंस करें, आपको मज़ा आएगा। तो नेक्स्ट आपने किस चीज़ का रिव्यू लेना है, और आपको अगर कभी किसी चीज़ का रिव्यू चाहिए ना, तो मैं बिल्कुल ऑनेस्ट रिव्यू देती हूँ, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको किस चीज़ पर रिव्यू चाहिए। सूट का रिव्यू चाहिए, किसी प्रोडक्ट का रिव्यू चाहिए, मीशो से किसी प्रोडक्ट का रिव्यू चाहिए, तो आप मुझे बताइएगा, मैं उसे पर्सनली बाय करूँगी और फिर उसे चेक करूंगी, टेस्ट करूंगी और फिर आप लोगों के साथ उसका रिव्यू शेयर करूंगी, तो आप फिर उसके बाद उसको बाय कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप सो आपको वीडियो पसंद आए, पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, अल्लाह हाफिज एंड टेक केयर।